मौतें हुई है, भागलपुर में 5 मौत हो गई है, और यहाँ ये मौतें तो आपको आंकड़ा ये हवा में है, लेकिन सच्चाई ये है कि 100 से ऊपर की मौतें हुई है। केस का खबर होने के बाद क्यों नहीं गया वहाँ पकड़ने के लिए? इस पर आपको माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करनी चाहिए, और SSP भी फोन नहीं उठाते हैं होली के समय में, तो बोलिए कि कैसे शराबबंदी लागू होगा। बोतल वाला दारू पिए थे और कुछ हुआ भी नहीं था, जब पिए थे वो ठीक थे, सुबह में उसके पास कुछ प्रॉब्लम होने लगा इनको। होली करके एक दिन के कभी नहीं पीता था, सब पढ़ने वाला लड़का सब था, होली के दिन पिया, एक दिन पांच लड़का है, पांचों मर गया। पूछना बदल के उल्टी करने लगला अभी मतलब इस इलाके में दारू महुआ और विदेशी दारू बराबर बन रही और आ रही है, इसकी सूचना हमने पुलिस प्रशासन को पहले दी, उन लोगों ने स्पर्श नहीं लिया। कोई बोलता कि ये हमारा क्षेत्र नहीं है, कोई बोलता बोलते हमारा क्षेत्र नहीं है। किस किस का थाना को कहे? ललमटिया को कहे, नाथनगर को बोले, यूनिवर्सिटी को बोले, इन लोगों ने कह दिया हमारा क्षेत्र नहीं है। उसके बाद हमने SSP साहब को कॉल किया, SSP साहब ने कॉल नहीं उठाया। कितने बार किया? SSP साहब को 4 बार हम कॉल किए थे 13 मार्च को, वो कॉल नहीं उठाया। तो लास्ट में मतलब जो जब कॉल करने के बाद हमने चुप होकर बैठ गए, लेकिन ये जो घटना आज घटी है, अगर इस हमारी बात को अगर 13 के वो लोग मान लेते, आज ये मृत्यु नहीं होती, आज मृत्यु हो गई 4, आज लगा के 4 हो गई। थाना क्या कहता था? थाना बोलता था कि मतलब जो ये हमारा क्षेत्र नहीं है, हाँ क्षेत्र के कारण जो है मारा खा रहे थे, लेकिन आज जो मृत्यु हो गई, आज इतने इतने थाना एक साथ आ गए, आज उसका क्षेत्र है, ये प्रशासन हमको जवाब नहीं दे। अगर उस दिन SP फोन उठाते तो क्या लगता है? कम से कम वो दारू जो मतलब विदेशी दारू जो आई थी गाँव में, जो आज मृत्यु हुई, वो नहीं होती अगर उस दिन से रेड पड़ती, लेकिन किसी प्रकार की रेड नहीं पड़ी। SP साहब फोन नहीं उठाया? नहीं, फोन नहीं उठाया। हम ही लोगों ने सब मिलजुल के सदन में बंद किया था, उनके प्रशासन के पदाधिकारी मिली भगत से, शराब आता है, शराब में नकली शराब। आप मैं तो परसों भी यहाँ मौतें हुई हैं, और आपको पता है पूरे बिहार से सूचना आ रही है, गोपालगंज हो, मधेपुरा हो, वहाँ मौतें हो रही है, कल भी हुई है, आज भी भागलपुर में, बांका में 11 मौतें हुई है, भागलपुर में 5 मौत हो गई है, और यहाँ ये मौतें तो आपको आंकड़ा ये हवा में है, लेकिन सच्चाई ये है कि 100 से ऊपर की मौतें हुई है। पुलिस के पदाधिकारी रोक रहे हैं कि आप बोलो मत कि शराब से मौत हुई है। एक गौरव कुमार का व्यक्ति साहिबगंज का, आज मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है, वो कह रहे हैं कि 13 मार्च को उन्होंने 3 थाना में, ललमटिया थाना, विश्वविद्यालय थाना, नाथनगर थाना में सूचना दिया, यहाँ की शराब का खेप यहाँ पर है, लेकिन किसी ने सबने कहा कि मेरा क्षेत्र में नहीं आता, पकड़ने तक नहीं गए। उन्होंने SSP को बोलते हैं कि 13 मार्च को 4 बार फोन किया है गौरव कुमार ने, उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शराबबंदी, सब प्रशासनिक पदाधिकारी काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। जब तक मिली भगत नहीं थी, खेप का खबर होने के बाद क्यों नहीं गया वहां पकड़ने के लिए? इस पर आपको माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करनी चाहिए, और SSP भी फोन नहीं उठाते हैं होली के समय में, तो बोलिए कि कैसे शराबबंदी लागू होगा। इसकी शराबबंदी लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके जो पदाधिकारी है वो शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। आपको मैं बार बार कहता हूँ, तिगुनी चौगुनी कीमत करिए, शराबबंदी लागू नहीं है, और उससे जो राजस्व आए, हर जिला में एग्रोबेस इंडस्ट्री और कल कारखाने खोल के बच्चे बच्चियों को रोजगार और नौकरी देने का काम कीजिए। ये शराबबंदी नहीं लागू है आपका, और मौतें हो रही है, मौत का जिम्मेदार प्रशासन के पदाधिकारी और सरकार है। देखिए, ये तो सत्यापन का विषय है, लेकिन प्रशासन भूल के क्यों नहीं बात करी मीडिया से कि हमें कारण क्या है, स्पष्ट क्यों नहीं बात? नहीं, देखिए, हम लोग जैसे बात करते हैं ना तुरंत से, तो तुरंत से चीज़ें नहीं निकली है, जाँच होता है, समय लगता है, उसके बाद जानकारी दी जाती है। इससे पहले अभी 2 लाशें हैं, 2 मौतें हुई हैं, एक और कल भी ऐसा सूचना मिल रहा है कि कल भी एक मौत हुई थी, उसको इन्होंने जला दिया है, और एक हॉस्पिटल में अभिषेक नाम का एक लड़का है जो हॉस्पिटल में अभी इलाजरत है, उसका इलाज चल रहा है। क्या कारण लग रहा है सर? कारण अभी स्पष्ट नहीं है, इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो भी चीज़ें सामने आएगी उसको फिर उस पर हम अनुसंधान करेंगे। यदि आप लोगों का सस्पेशन सही होगा तो फिर हम लोग जो सप्लायर साइड है, कौन कहाँ से दारू आया, किसके पास से आया, उसको चिन्हित करेंगे, फिर हम लोग कानूनी कार्रवाई। एक श्याम चौधरी का नाम आ रहा है सर, जिसका घर की तलाशी भी ली गई, क्या उसकी गिरफ्तारी भी हुई है? अभी तक तो अभी मिला नहीं हुआ, हम लोग गए थे तलाशी लेने के लिए, जैसा कि लोगों के द्वारा बताया गया कि उसके घर के पीछे रखा हुआ है, हमने तुरंत एक टीम बनाकर वहाँ भेजा, लेकिन वहाँ कुछ बरामद नहीं हुआ। यदि बाद में बरामद होता है या
अभी भी बरामद होता है तो गिरफ्तारी होगी। उसका नाम लेकिन जो परिजन लगातार ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं तो अभी तो हम भेजे लेकिन मिला नहीं, तो अभी हम तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकते। थैंक यू। कहाँ पिए थे? किस से लिए थे दारू? दारू किसी से लिए नहीं। तो एक दोस्त था मेरा, हाँ, वो बोला व्यवस्था हो गया है, उसके बाद हम दोनों मिलकर पी लिए। परसों पिए थे होली के दिन, और कल सुबह जगने के बाद हमको देखने में दिक्कत होने लगी, उसके बाद फिर रात में फिर डॉक्टर के पास गए थे तिलका मांझी। कौन ब्रांड का पिए थे? इम्पीरियल ब्लू था। कितना दी पिए थे, कितना मंगवाए थे, कितना पिए थे? दो हाफ था और दो लड़का थे हम लोग। और एक लड़का का क्या नाम है? मिथुन कुमार। वो तो वेट कर गया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अभिषेक कुमार। ठीक, चलो।